नेताजी से लंबी बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम सुनाएंगे आपको नेताजी से छोटी बात। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है खेमचंद शर्मा सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन खबर। तो सर, आपसे बात करेंगे आज मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में ही। मध्य प्रदेश के राजनीतिक सियासत में जो उठापटक हुई, अब एट लास्ट जाके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी हमेशा से अपने आप को सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी कहती आई है, लेकिन कर्नाटका में भी हमें ये देखने को मिला और अब मध्य प्रदेश में भी, कि जिस सरकार को जनता ने चुना है अब वो सरकार टूटती हुई नज़र आ रही है और अब बीजेपी हो सकता है कि वो सत्ता में आ जाए वहाँ पे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले तो आपको समझना होगा कि कर्नाटक में लोगों ने किसको चुना। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अपॉर्चुनिस्ट पार्टी ने, जिसमें कांग्रेस और जेडीयू ने एक कन्वीनियंस का गठबंधन किया और वहाँ पर सरकार बनाई। लोगों को वो पसंद नहीं आया। उन्होंने जितने दिन भी सरकार चलाई उसमें कुछ भी नहीं किया, लोगों को परेशान किया, लोगों का शोषण किया और सिर्फ अपने परिवारों और अपने बच्चों का उन्होंने एम्पावरमेंट किया। उससे दुखी होकर, लोग परेशान होकर, जो वहाँ पे आइसोलेटेड फील कर रहे थे, एमएलए परेशान थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाई। अब मध्य प्रदेश का जो केस है, मध्य प्रदेश में नेक टू नेक फाइट थी। हमारी बहुत सीटें कांग्रेस से कम नहीं आई, लेकिन कांग्रेस की 6-7 सीटें ज़्यादा थीं, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट के साथ मिलके सरकार बनाई। और कोई बुराई भी नहीं है, हमने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया क्योंकि हमारे पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। लेकिन पिछले 1.5 साल में उन्होंने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया। जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो सुविधाएं दी या मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को जो उठाने का काम किया, उस सबको उन्होंने चौपट कर दिया। आप देखेंगे किस तरीके से कमलनाथ जी अपने बेटे को एम्पावर करने के लिए, अपने बेटे को आगे लाने के लिए लगे हुए हैं। वैसे ही दिग्गी राजा, उनके बेटे भी मंत्री हैं, तो बेटों का एम्पावरमेंट चल रहा था, बेटों का डेवलपमेंट चल रहा था जी। विरासत की राजनीति और अपने घर की राजनीति, जिस तरीके से उनका नेतृत्व टॉप पे, गांधी फैमिली अपने परिवार की राजनीति, अपने लोगों को आगे बैठाने का काम करती है, वैसे ही वो लोग प्रदेश में कर रहे थे। और उससे दोनों ही दुखी थे, एक जनता जिनको वो बड़े बड़े वायदे करके आए कि हम लोन माफ़ी करेंगे, किसानों का लोन माफ़ कर देंगे, किसानों पे कोई कर्ज नहीं छोड़ेंगे, किसान आज भी कर्ज में है, युवाओं को जॉब देंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया, अच्छी रोड बनाएंगे, खेतों के लिए पानी देंगे, बुजुर्गों के लिए दवाई देंगे, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी मैं, ऑपोजिशन है तो ऑपोजिशन तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला उनकी तरफ से चलता रहेगा। उनका कहना है कि भाजपा ने हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए, या बोले कि MLAs की खरीद फरोख्त करके उन्होंने पार्टी को, सरकार को गिराने की कोशिश की है। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से MLA बार बार, एक बार नहीं, लगातार MLA का जो कांग्रेस के खिलाफ, जो वहाँ के नेतृत्व के खिलाफ जो उनका गुस्सा था, जो नाराजगी थी, बार बार पब्लिक के सामने आती थी, क्योंकि 1.5 साल में जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ। जब MLA जनता के बीच में जाते हैं, MLA गांव में जाते हैं, MLA समाज में जाते हैं, तो उनको खरी खोटी सुननी पड़ती थी, बुरा भला सुनना पड़ता था। अब उनके हाथ में पावर नहीं, पावर किसके हाथ में? चीफ मिनिस्टर के हाथ में, मंत्रियों के हाथ में, मंत्री और चीफ मिनिस्टर अपने बच्चों का भला करने के लिए लगे हुए हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि भाजपा का इसमें कोई रोल नहीं है अभी? भाजपा खरीद फरोख की राजनीति में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। भाजपा सिद्धांतिक पार्टी है, सिद्धांतों पे चलती है। भाजपा ने अपने MLAs को गुड़गांव के होटल में क्यों शिफ्ट किया? नहीं, देखिए अभी क्या हो रहा है, आप कमलनाथ जी को सब जानते हैं, वो किस तरीके से गंदी राजनीति करते हैं, किस तरीके से वो तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं, और उसी का परिणाम है कि एक बहुत बड़ा MLA वर्ग जो उन्हीं की पार्टी का, उनके विरोध में खड़ा हो गया है। एक बड़े नेता सिंधिया जी, जिनकी वजह से उनकी सरकार बनी, क्योंकि ग्वालियर रीजन में, ग्वालियर के आसपास का जो रीजन है उसमें काफ़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक जीत के आए और उसकी वजह से उनकी उनकी सरकार बनी। उन्होंने इतने बड़े नेता को आइसोलेट किया, परेशान किया, दुखी किया, और उसकी वजह से उन्होंने पार्टी, कांग्रेस पार्टी छोड़ के और वो BJP में आए, और उनके साथ ही जो उनको पसंद करते हैं, जो उनको नेता मानते हैं, बहुत सारे ऐसे MLA जो दुखी थे, जो पीड़ित थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ 22 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, अब फ्लो टेस्ट को आप किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, देखिए मेरे को ऐसा लगता है नैतिक रूप से कमलनाथ जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उनके पास मेजोरिटी नहीं, जब उनके पास बहुमत नहीं, तो क्यों वहाँ पर टिके हुए हैं? जब तक वो टिके हुए हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन को परेशान कर रहे हैं, वो जनता को परेशान कर रहे हैं, वो जो जनता का डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें डिले कर रहे हैं। अगर उनको ये चीज़ें पता है, और सबको पता है कि अब उनके पास बहुमत नहीं है, उनके पास एक मास्टर स्ट्रोक है, नहीं, तो क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है वो मास्टर स्ट्रोक? यही है, क्योंकि कांग्रेस को तो आप सभी जानते हैं, उन्होंने किस तरीके से 10 साल में जो कमलनाथ जी मंत्री थे, किस तरीके से उन्होंने लूट खटोस की, वो पैसा रखा हुआ है,
उनको लगता है कि उस पैसे की पावर से और जो कमलनाथ जी का एक एक तरीके से जो गंदी राजनीति में जो मैनिपुलेशन का इतिहास रहा है या उनकी हिस्ट्री रही है उससे वो कुछ कर लेंगे। मेरे को नहीं लगता ऐसा वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जो अंतरात्मा की आवाज़ है एमएलए की, जो जनता की जो आवाज़ है, उसकी वजह से ये परिवर्तन आ रहा है और इस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि फिर से मध्य प्रदेश की जनता सुशासन चाहती है, गुड गवर्नेंस चाहती है, और वो जानती है ये सुशासन और गुड गवर्नेंस मामा जी दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। संजय राउत का कहना है कि जो ये मध्य प्रदेश का वायरस है वो महाराष्ट्र में नहीं आ सकता। देखिए महाराष्ट्र का फिर से आप देखिए, महाराष्ट्र में हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, जनता ने हमारे सीएम को चुना, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, लेकिन हमारे साथी ने हमें धोखा दिया और उन्होंने भी हमारे पीएम और हमारे सीएम के नाम पर वोट मांगे, उन्होंने धोखा दिया। और एक अल्टरनेटिव, क्योंकि उनको भी अपने परिवार की राजनीति चलानी है, वहाँ पे भी कोई सिद्धांत नहीं है, परिवार की राजनीति से उन्होंने एक कन्वीनियंस का अलायंस किया। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये मध्य प्रदेश के बराबर भी नहीं चल पाएगी, ये सरकार भी जल्दी गिरेगी और वहाँ पर भी फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और जनता को सुशासन देगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने सालों से कांग्रेस के साथ है, अब वो कांग्रेस का दामन छोड़ के अगर भाजपा में आते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है? क्या पता वो जब कांग्रेस का हाथ में कमान आ जाए अगले कुछ वर्षों में तो वो भाजपा का साथ छोड़ के फिर कांग्रेस में आ जाए? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि लोग जिस तरीके से इसको देख रहे हैं कि वो पर्सनल फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए या पर्सनल फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूँ, पिछले एक साल से जिस तरीके की उनकी सोच है, उनकी सोच राष्ट्रवादी सोच है, उनकी सोच जनता की भलाई की सोच है, उनकी सोच मध्य प्रदेश को आगे ले जाने की सोच है, उनकी सोच भारत को आगे ले जाने की सोच है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए भी सर्जिकल स्ट्राइक पे सरकार का साथ दिया, देश का साथ दिया, सेना का साथ दिया। उन्होंने एयर स्ट्राइक पे पाकिस्तान की भाषा नहीं बोली जिस तरीके से राहुल गांधी जी बोल रहे थे या और उनके नेता बोल रहे थे, उन्होंने देश का साथ दिया, सेना का साथ दिया। वैसे ही जब 370 हमारी सरकार ने हटाया तो देश का लाभ हुआ, बहुत बड़ा कैंसर था, बहुत बड़ी बीमारी थी, बहुत दिनों से उसको हटाया नहीं गया, उन्होंने देश का साथ दिया, उन्होंने राष्ट्र का साथ दिया। मेरे को ऐसा लगता है आज वो दुखी क्यों थे? दुखी वो अपने फायदे नुकसान के लिए, अरे वो राजा हैं यार, उनको पैसे की कमी है क्या? वो दुखी इसलिए थे कि मध्य प्रदेश का भला नहीं हो पा रहा है, देश का भला नहीं हो पा रहा है, देश में इस तरीके की गंदी राजनीति हो रही है जहाँ पे एंटी नेशनल थॉट को बढ़ावा दिया जा रहा है और एक परिवार का या एक व्यक्ति की वजह से पूरे इंस्टीट्यूशन को बर्बाद किया जा रहा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, सब जानते हैं। तो उन्होंने वहाँ दुखी होके और एक तरीके से घुटन महसूस करके उस चीज़ को छोड़ा, क्योंकि 18 साल 19 साल उन्होंने वहाँ पर सेवा की, लेकिन इसीलिए उन्होंने समय भी लिया, घुटन तो उनको काफ़ी समय से महसूस हो रही थी, समय लिया, उन्होंने डिसाइड किया कि राष्ट्रहित में अब और नहीं, अब राष्ट्रहित में देश की सेवा करनी है, मध्य प्रदेश की सेवा करनी है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म ही उत्तम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो खेमचंद शर्मा जी का ये मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस का दामन इसलिए छोड़ा और भाजपा का दामन इसलिए पकड़ा क्योंकि वो एक राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है इसमें। तो ऐसे ही और टॉपिक्स पर हम अलग अलग नेताओं की राय आपको बताते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।